अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह डिस्कस प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। ये प्लगइन लगभग हर वेबसाइट पर यूज़ किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और मैं पर्सनली रिकमेंड ये करूंगा कि आप डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस कमेंट सेक्शन की बजाय ये सिस्टम इस्तेमाल करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिस्कस एड प्लगइन पे जाना है और वहाँ पे सर्च करनी है डिस्कस की। उसके बाद ये डिस्कस कमेंट सिस्टम बाय डिस्कस, इसे इंस्टॉल नाउ। उसके बाद आपने डिस्कस वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपने जाना है एडमिन में, एडमिन के बाद इंस्टॉल में, और अब यहाँ से वर्डप्रेस। और हम यहाँ से न्यू करते हैं। उसके बाद डोमेन का नेम कॉपी करते हैं, इसे एक्टिवेट कर दें। यहाँ पे पेस्ट कर दें। यहाँ से अपनी वेबसाइट की कैटेगरी सिलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल ये टेक रिलेटेड हो टेक। यहाँ से बेसिक वर्डप्रेस। यहाँ से जाएं आप डिस्कस में, यस यस इसको कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें और इंस्टॉल ऑन योर वेबसाइट। ओके नाउ कॉन्फ़िगर। यहाँ पे डोमेन यूआरएल कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट, कंप्लीट सेटअप और ये डन हो गया। अब इसे रिफ्रेश करें। कनेक्ट हो गया। अब इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग कर लेते हैं, आने वाली से कर लें ऑटो सिंक्रोनाइजेशन को। अनेबल करने के बाद आपकी वेबसाइट पे अनेबल हो जाएगा और आप इसे चला के देख लेंगे ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये देखें, ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहा है। तो उम्मीद है आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और ट्यूटोरियल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।